डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक्सरसाइज 1.4 का, वो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो मैं उसके इंट्रोडक्शन को फिर से समराइज़ कर देता हूँ। कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं। यदि एक परिमेय संख्या हो, रैशनल नंबर हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसका भाजक यानी डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म का हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा यानी टर्मिनेट कर जाएगा। अब सवाल यह है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो आपको यह देखना होगा, यदि इस m और n का कंपैरिजन करें और m अगर ग्रेटर देन n है तो वो m डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, और यदि n ग्रेटर देन m है तो वह n डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। आप रेफरेंस के लिए मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ किए हुए ये बताना है कि ये परिमेय संख्याएं जो हैं इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। शांत होगा यानी टर्मिनेट कर जाएगा, या अशांत होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन देखते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 3125, जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 से डिवाइड किया तो 625 टाइम्स में, फिर 5 से किया 125 टाइम्स में, फिर 5 से किया 25 टाइम्स में, फिर 5 से किया तो 5 टाइम्स में, यानी ये 5 टू द पावर 5 के फॉर्म का है। 5 टू द पावर 5 के फॉर्म का है। इसका फॉर्म 5 टू द पावर 5 है, 5 टू द पावर 5 है, यानी ये क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल के 5 प्लेसेस के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 17 डिवाइडेड बाय 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, यानी 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, यानी ये टर्मिनेट कर जाएगा आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 455 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 5 से डिवाइड किया 91, 7 से किया 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, न्यूमरेटर 64 ही रह गया, तो ये कैसा होगा, अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा, सेम डिजिट जो है वो रिपीट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 15 डिवाइडेड बाय 1600, यहाँ 1600 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो 2 टू द पावर 6, 5 का स्क्वायर, तो यानी ये क्या होगा, डेसिमल के, ये एम एन के फॉर्म में है, यहाँ एम जो है वो ग्रेटर देन एन है, 6 जो है वो बड़ा है 2 से, इसका क्या मतलब है, ये डेसिमल के 6 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चंस को बनाइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा अब वो पॉलिनोमियल पे बेस्ड होगा। थैंक यू।